पहलवान जी आई लव यू, तो क्या जवाब दोगा मैंने? लव यू टू सो मच। ईसो बालक जगह को जवान बाप चलते रहो गांव दाग की तैयारी कर रहे हो, बट वो टब्बर गली में खेल रहे हो, ठाक होने के तेरी सारी दुनिया लूट गई। ये अगलो छाप है जोड़े पर हंस रहे हैं कुड़की आ रही है, जो क्या विपक्ष को आदमी है, मैं कोई पक्ष ही कौन बचो बापड़ा को, वो मेरे इतनी परेशानी है, मैंने कह दी बलवान पुनी संपर्क कर ली, रोड़ो तेरो ही गाल दें भाई। मैं राठौड़ साहब साडू हो गया, मैं मेरे साडू ने कहना चाहूँ राठौड़ साहब ने, मैं तो बोल बोल के इतनी दुनिया बनाई है, मारे के बाबू रहे मेले थोड़ी है, कहेंगे बैंगन भाई लोर कहेंगे बैंगन पच, कई लोग बलवान पुनियों को खुल के बोलनो बहुत अच्छो लागतो, कई बलवान पुनियों को सीधो मिलनो बहुत अच्छो लागतो, अपा जनता के हर मुद्दे पर सड़कों लेके बुनियादी सवाल हूँ लेके एजुकेशन लेके शिक्षा हूँ लेके चिकित्सा हूँ लेके रोजगार हूँ लेके हर मुद्दे पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। राम राम जी, मैं गिरिराज राव झलको में थारो हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। लारले दिन आप बलवान जी पुनिया को इंटरव्यू करियो और जका थारा सवाल हा कमेंट बॉक्स के अंदर थे लिखा, तो भी कड़ी के बीच में आज आप दोबारा रूबरू होया बलवान जी पुनिया और बातचीत करेंगा। थारा सवाल ऑडियंस का सवाल, श्रोताओं का दर्शकों का सवाल है जका आज आप पूछेंगे बलवान जी पुनिया ने, और प्रयास करेंगा जानने को भविष्य की नीतियाँ और के प्रकार का विचार है जका आगे का जो चुनाव है और रणनीति है जगह डिसाइड करेगा, तो बात करेंगे। बलवान जी थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम सब ने सगड़ा ने दर्शकान जी। बलवान जी ईवीएम की बात करेंगा, शुरुआत आप अठू करेंगा भाई, चुनाव हूँ पहली और चुनाव के बाद में ईवीएम को मैटर हमेशा ही चालतो रहे है, चुनाव जी साहब आगे लोकसभा आने लाग रहे है, तो ईवीएम के प्रति क्या होगा? ईवीएम ने लेके सवाल लोग उठान लाग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वकील उठान लाग रहे हैं, बा दिखायो भी है जंतर मंत्र पर कह रहे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और रंगमा खोट हो सके, तो लोगों को सवाल है जो चुनाव आयोग ढंगू मैं कोई उत्तर भी नहीं दे पा रही है। चुनाव आयोग जकी गाड़ियां में लेकर के ईवीएम दौड़ रही है चेक कराने ने, वहाँ गाड़ियां पर मोदी की गारंटी लिखेड़ी है, तो जे तरीको चुनाव आयोग गाल मेल कर रखी है नहीं, बहुत थोड़ा शक पैदा हो जाए कह जगह देशा ईवीएम ईजाद करी, वहाँ देशा में ईवीएम चुनाव को होने लाग रही हो नहीं, चुनाव अपने ईवीएम चल है, तो लोगों को सवाल है वो, अब सवाल कोई राजनीतिक दल को नहीं उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का वकील उठा रहे हैं, जका आज के दिन कोई दल का कोई नेता को नहीं है भाई, और हजारों हजार लाखों लाख लोगों का मन में आवा बात, तो एन लेके चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, और फिर जब जनता को ईवीएम में भरोसा उठ गयो, क्योंकि ईवीएम में 15-15, 16-16 लाख गायब हैं चुनाव आयोग की, ईवीएम है हर चुनाव में सड़कों पर पड़ी पाई है, तो चाहे एक जगह जावे सारो चुनाव तो अपवित्र हो ही गयो, चुनाव आगे जी परिणाम आवे वह परिणाम लोगों ने शक हो जाए कह यार चुनाव बटोइया क्या लागू होगा, मध्य प्रदेश में सरकार और कहेंगी अंति लागी बन गई और कहेंगी, सरकार छत्तीसगढ़ में और कहीं अंति लागी बन गई और कहेंगी, राजस्थान में इसी जन कल्याणकारी योजना ये जगह जनता आज ही लोग कहें कि यार बहुत वोट दिया मैं तो और वोट निकलिया कम, तो इसी बात तो नहीं चर्चा चल जाए, बाकी चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए और सारा दलांग लोगों ने बला के स्पष्ट कर देनी चाहिए। बलवान जी एक थारा दर्शक है या फिर आप केस का विपक्षी दल का भी हो सके, वे कह बलवान जी ने किसान ही किसान दिखे, किसानों की कुड़की की बात करे, बाजार में भी कुड़की वह भी मरके को होगा बलवान जी? नहीं बाजार की कुड़की वालों को अपने के ना होगा, जो बोला नहीं घरे जा जाके तो कहेंगे टिक्का दरिया वहां, तो मार के तो किसान ही आवे, किसानों की राजनीति करा, किसान आवे किसान की कुड़की रुकवाण को काम करा, बाजार का एक दो आदमी आया जगह प्राइवेट लोन लेडो बांगे कुड़की आवे बांगे मदद करी आप, तो ईसो कोई भाई है जो आ कह विपक्षी तो क्या हुए है कुड़की आ रही है, वो क्या विपक्ष को आदमी है, मैं कोई पक्षी कौन बचो बापड़ा को, वो मेरे इतनी परेशानी है, मैंने कह दी बलवान पुनी संपर्क कर ली, रोड़ो तेरो ही गाल देंगे। ठीक है बलवान जी, डोटासरा जी और जका राजेंद्र सिंह जी है बांगी एक नोक जोक चालन लाग रही है ट्विटर पर, और राजेंद्र सिंह जी कह के सुसरो मिले तो डोटासरा जी जी से मिलना चाहिए, कह टावरा ने नौकरी नागरी लगा दे भी के होगा भाई, मैं राठौड़ साहब साडू हो गया भाई, मेरे साडू ने कहना चाहूँ राठौड़ साहब ने अबे जीतेड़े अपना हरेड़ा अपने न्यू नागरिक करो थे कोई जचाओर लोकसभा लोकसभा में देखो कोई। तो बलवान जी एक जगह थारा फैन है या फिर थारा जगह साग है जयपुर के अंदर मुलाकात हुई, बेक वे कहे बलवान जी एक बार मैं बलवान जी के न गयो और बाथरूम है जो को साफ को नहीं हो, बलवान जी कोशिश प्रयास करके बिन साफ करके और मन बताइए जो कोई किस्से हो कि बलवान जी ए रूटीन की बात है कोई डिस्कस करना लेंगे ना दोगे साफ सुथरा तो कोई रेणो चाहे बह गए मैं टेम जब जनता जगह साइड में रहती बाथरूम साफ ना तो करवा दियो को मैं सगे ला गया के बात कुत्तो भी आपकी जगह बाहर के बैठे हैं, अब हम जनता ने साफ सुथरी रखना चाहो लोगों ने संदेश भी हो देना चाहो साफ सुथरा रहे करो जी। बलवान जी लोकसभा आगी कयास लगान लाग रहे हैं लोग
थे भी गाड़िया में निकलना चालू हो चुका हो, के प्रयास है आगे का और के कार्रवाई चलन लाग रही है? इंडिया गठबंधन में अपनी पार्टी चूरू लोकसभा क्षेत्रों चुनाव लड़ने की मांग करी है कि अपनी पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो राजस्थान में एक सीट चूरू माने भी दे जा, आप मांग करिए और ए मांग में आप पूरी उम्मीद करा कि इंडिया गठबंधन अपनी पार्टी ना सीट मिलेगी और आप चुनाव चूरू लोकसभा को उम्मीदवारी करांगा और लड़ांगा, बीजेपी ने परास्त करांगा। बाय द वे इंडिया गठबंधन आप ना मिली तो जो कोई इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार हो बैंक सागे मजबूती सागे रहांगा, पर बीजेपी ने हर हालत में परास्त करांगा। ऐसी जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी, घोर सांप्रदायिक जन भारतीय जनता पार्टी, घनघोर बेरोजगारी पैदा करने वाली, महंगाई पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम हम करेंगे। बलवान जी, जी साबू थे गांव गांव डाणी डाणी फिरो, अशोक गहलोत जी की जगह योजना है बंद थे के जी देखो कभी लोग प्रयास करे बा चीजा खतर, सारे दिन लोग फोन आवे भाई जी फोन करियो के हॉस्पिटल में सिरिंजी वाला मानन को लाग रहा नहीं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल अंडर है कि सिरिंजी आज इलाज कर दियो तो भुगतान को नहीं आओगे, और बैंक बाद में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लेगे, अन्नपूर्णा रसोई लेगे और जगह इंदिरा रसोई लेगे और जगह के थारी अन्नपूर्णा फूड पैकेट वाला जोड़ा तो गहलोत साहब वाला लोग सिर पर धरिया फिरे, सिर पर धरिया फिरे, खेता में बही दिखे मंतोर सारे लोग नहीं दिखे, गाडा पर बही है, मोटरसाइकिल पर बह लटक रहे हैं, हाथा में बह लटक रहे हैं, नरेगा में लुगाई जाए बांग हाथ में बही जोड़ा है अन्नपूर्णा फूड पैकेट वाला, तो ये मिस तो लोग बड़ा भारी कर रहे हैं, कौन बनाओ को इतनी सड़क, कौन खोले हुई इतना कॉलेज, चार स्कूल है जगह इंग्लिश मीडियम का राजस्थान में बंद कर दिया, गरीब को बेटो बेटी इंग्लिश मीडियम पढ़ ले आ रहे, गहलोत साहब की बहुत जोर की योजना आई, इन्हें बंद करने को काम कर रहे हैं, नो बना के स्कूल बंद कर की कर दो, लेकिन भाई स्कूल ने और खोलता जो समझ मानती और खोलने की बजाय बंद करने लाग रहे हैं, जो घोर अन्याय है। जोड़ा तो देन लाग रहे, फोटो बदल दी, फोटो तो आचार संहिता बदल दी, लेकिन लोग रुचि किया थे बड़ो जोर को करिए आचार संहिता बाद में दो जोड़ा तो आ गया होगा। हाँ। वो कोई लिया भी नहीं, कोई गहलोत साहब बड़ी फोटो है वो हाथ में लिया फिरे, अरे वो गहलोत साहब हसे बहुत जोर गए, अबोध बालक अबोध बालक किए हुए समझो, ईसो अबोध बालक जगह को सब कुछ गम गयो, लेकिन मैंने बेरो को नहीं कि तेरो गम गयो की ईसो बालक जगह को जवान बाप चलते रहे हो गाम दाग की तैयारी कर रही है, पर वो टब्बर गली में खेल रही हो, मैंने ठाक होने की तेरी सारी दुनिया ही लुट गई, ये गहलोत साहब जोड़े पर हाँ श्री है बानिया ठाक हो लागे दुर्ते के तारो राज गए, अब थे जनता की नीतियां क्या बनाश, अब बड़ा जोड़ा क्यों कौन काटे लोगन बे जोड़ा में इंटरेस्ट आवे गहलोत साहब वाला देख के बो राखनो चाहे सके जी। बलवान जी, किसान की आय जकी दोगुनी करने की बातें चलन लाग रही है, धरातल पर बिंगू असर है, जो को एक कोई साथी लिखियो है कि सिंचाई की व्यवस्था है भाई बिन दुगनी कर सके, बिंग लवा कोई साधन को नहीं केक होगा, हां तो स्पष्ट है साथी कही है जगी एक नंबर की बात कही है, तो इनका प्रयास की कोई जगी है बात कौन चलन लाग रही, ऊपर ऊ लेके नीचे तक जगी चीजा है, सिंचाई पानी की व्यवस्था है जगी बिरानी क्षेत्र के अंदर कोनी व्यवस्था पूरी तरीके निभाई जन लाग रही, खेतों के अंदर अभी भी वंचित है एरियो, काफी एरियो वंचित है, मैं अटे शुरू करी भादरा में सिंचाई एरियो बढ़ाने की बात शुरू करी, बजट भी 100 करोड़ मंजूर करायो, नदियां और नहरों पानी लाने की बात करी, देखा भारतीय जनता पार्टी इन्हें जो आगे बढ़ावेगी और योजना ने आगे बढ़ा के लोगों लाभ देने की कोशिश करेगी। कई एक साथी लिखियो है कि बलवान जी को स्वभाव है जो को बड़ बोलो स्वभाव है केकोगा, सही कह बे है कई साहब है बलवान जी, मैं तो बोल बोल के इतनी दुनिया बनाई है, मारे के बाबू एमएलए थोड़ी है, मारे 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 कोई विधानसभा में बोल बोल की मिपेठ बनाई है, एमएलए तो 200 जीते डाए, बलवान पुनिया ने लोग क्या मैं पूछे, आप विधानसभा में खूब बोले, और आजकल बाबू जी है जगह बांग खतर के कोगा के कोई समझ में आने लगी है थारे कोई जी गांव में और में कोई बात नहीं आगे कोई बात जी आने लगी है, अरे मेरे तो आईडी है बाबू जी को सीधे, बाबू जी को काम का आदमी थोड़ी है, भाई तो भाई अपने ये भी दो पक्ष हुए, कोई खिलाफ भी हुए कोई राजी भी हुए, भारतीय जनता पार्टी का वोट भी हुए दूसरी पार्टी का वोट भी हुए, जगह लोगों ने आप ठगी को मारने दी नहीं, 5 साल में लोग भेड़ा हो गया, बाबूजी जीत गया और बाबूजी कोई लोगों ने उम्मीद है कोई नहीं, बाबूजी जी लोग अजय खाड़ा खूड़ा खातर फोन करें गए हो, खाड़ा बंद कर दिया, सड़क बंद कर दी, डिग्गियाँ बननी बंद हो रही हैं, काम जो आप छेड़ेड़ो वो काम बंद हो रही है, लोग फोन करें भाई जी कद हो सी, मैं कहा भाई जी हो सी जद हो सी, अब अपना मंजूर कराएड़ा मैं तो आख मानूंगा अपना मंजूर कराएड़ा काम है नहीं, ए पूरा हो जाए नहीं
तो ही धन्यवाद कर देंगे आप बाबू जी को, बाबू जी नया काम मंजूर किए हुए हैं को नहीं हुए जी। लारले दिना क्यों यो कहे जी साहब पेंशन योजना शुरू करी जब लोग के है ला मरिया कहे भाई अशोक गहलोत जी आई लव यू। तो दो जना है जगह कमेंट बॉक्स में प्रवीण कड़वा सर और पवन चौधरी है जगह लिखी हुई है बलवान जी आई लव यू, तो के जवाब दोगा मैंने लव यू टू सो मच। अरे एक अंतिम सवाल के सागे आपा बलवान जी थाने पूछना चाहूंगा के जगह कर्मचारियों का वोट है कठे न कठे सवाल वो भी एक आयो है कि कर्मचारियों का वोट है बे कमती मिले थाने तो इन पर के कोगा के इसी कर्मचारियों से बातचीत होगी। नहीं कम तो क्या मिले 28 वोट फालतू मिले कम तो जद मनु और मैं बाबू जी कम रह जाऊंगा 28 फालतू मिले अपने चुनाव में कोई दिक्कत ही को नहीं साहब। आपा ने जठे जीत्या आपा बैठे वोट थोड़ा वोट परसेंटेज जितने को कम हो अपनो झटा पा रहे बड़े ज्यादा हो बाकी कर्मचारियां कम तो मैं क्या मानूंगा 28 वोट फालतू मिले मैंने। अब थे आ कह दियो के साहब मेरे मैं एमएलए बने जमन जमा ही कौन मिले जमा ही थोड़ा सा वोट मिले तो ही मैं एमएलए बन गयो। कर्मचारियों का वोट पहली ना तो मेरा घना ज्यादा आए आगे देगा कर्मचारियां न्यू समझ बाजी के विधानसभा में बोलनी धरगातर बोलनी कौन बचो जाके दे दे। अभी नुकसान है एमएलए का हरण को बलवान पुनिया का हरण को एक बलवान पुनिया थोड़ी नुकसान आज वन विभाग में लोग परेशान है वन विभाग वाले सारा दिन परेशान करें हमारे बिरानी क्षेत्र में लोगों का आयोग को साधन ही लकड़ी है खेत में जंटी रखें हर हर साल 10 जंटिया खेत में नया रखें और पुराना बेच दें जब टोटो आवे जब घरे जरूरत पड़ जा जब 20 जाती जर की जरूरत हो तो जंटी बेचें और क्या हार्ड थोड़ी बेच दें किडनी थोड़ी बेच दें लोग जंटी बेचें बैर पकड़ लाग रहे हैं धर पकड़ जा रही है। अब ये वन विभाग वाला जंटिया पकड़ने तो रातू लग रहे हैं और वो एक कोई आगे मारे जानवर आगे कल कोई डाबड़ी हो जा रहे हो वन विभाग आज कोई बयान ही को नहीं आयो। तो ऐसी स्थिति पुलिस है जो दो भिन्ना में जम के चलान काट दिया भारी लोग परेशान है तो लोग उम्मीद भी बाबू जी जितने काम होगा लेकिन कुछ लोग ऐसा हुए जगह कहेंगे बैंगन भाईलो और कहेंगे बैंगन पच कई लोग आन बलवान पुनियों को खुल के बोलनो बहुत अच्छो लागतो कई आन बलवान पुनियों को सीधो मिलनो बहुत अच्छो लागतो जो लोग 1,16,16 वोट दिए हैं मेरे 20,000 वोट बढ़े हैं मेरे मतलब 82,000 कायम रख खेर 20,000 वोट और बधाए लेकिन कई लोग जगह आज चावा का मारी चौधर खत्म कर दी। अब सीधो कोई आदमी आ गयो वह एक तो गम में जाके दयानंद का हाजरी मार तो फिर दयानंद ले गया तो दयानंद आके तो रुक के बैठे गाड़ी लिया 4 बजे फिर सामने जाके ठहरो पीणो बैंक नू वह धंधा में बंद करवा दिया मेरे कहने अगले काम हो सीधो आ जाओ मलखेड़ा आयो तो मलखेड़ा फोन पर मिलो तो फोन पर और किसान भवन मिलो तो किसान भवन दफ्तर मिलो दफ्तर जयपुर मिलो जयपुर सीधो मिलो तो सीधा मिलनी कई लोग बढ़त भी होगी वह बढ़तिया बढ़तिया बेड़ा हो गया अपन कोई एतराज को नहीं बे बा बढ़तिया नीचो लोग लिगड़ी आवेगा लोगों ने मैं जिया मजा दिया है बाबू जी थोड़ी देश के कत को देश के अब बेरो पड़ जाओगे ट्रांसफर खुद रहे बाबू जी के लोग जाएंगे हमारा ट्रांसफर कराइयो अपना छक्का चल जाए बाबू जी थोड़ी चले चल नहीं कोई हरियाणा डिजल वीडियो वायरल हो रही है बलवान जी डीजल पकड़े बगलत बात है के बात सारा हरियाणा है हमारे लिया डीजल मार दो सारो अब बाजरा ही मंडी में बीजेपी राज में तो गेहूं खरीदी को नहीं होती तो गेहूं बेचने बैठी जानता अब किसान जेटा गेहूं खरीदो भाई मंडी में सामान खरीद के लिया आदमपुर मंडी हूँ शिवानी हूँ हिसार हूँ फतेहबाद हूँ भट्ठू हमारा किसान जावे सामान बेच के आता सामान लिया किसान तो सामान के बदले सामान लिया तो भाई पकड़ शुरू कर दी असल में क्या बंदी जचाणू चाहे जी लोग परेशान करके बंदी जचाले बा अपने टेम में ही कोनी बंदी वाली रिवाज कोनी ने बापा थाना ने बंदी लेन दी ने आपा कहनी प्रशासन की बंदी बंदाई ने बनी भाग की बंदी हुई करती अब डरा डरा के लोग धमका धमका की बंदी लेनो चाहे तो बाप बोड़ो सो जचाणु चाहे जित खरे जी तड़फड़ा में बलवान जी लोकसभा चुनाव आ गया के अपील करोगा लोगों के बात इंडिया गठबंधन में टिकट मिल जा मने मैं चुनाव लड़सी और मैंने वोट दियो सारा मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में राजस्थान की विधानसभा में जोर को बोलूंगा महंगाई के खिलाफ बोलूंगा रोजगार की मांग ने लेके बोलूंगा किसान की समृद्धि खातर बोलूंगा किसान की सब्सिडी खातर बोलूंगा उर्वरक पर जगह सब्सिडी खत्म करिए मैं खातर बोलूंगा एमएसपी पर खरीद खातर बोलूंगा अपने आ समझ लियो अग्निवीर योजना पर की किसान के बेटा के लिए कुठारा घात की योजना लागू करिए मांगे खिलाफ बोलूंगा अपना जनता के हर मुद्दे पर सड़क लेके बुनियादी सवाल लेके एजुकेशन लेके शिक्षा लेके चिकित्सा लेके रोजगार लेके हर मुद्दे पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलांगा और बर्नाट पार जाएंगे खातर वोटड़ा सह मनी दियो पूरे लोकसभा क्षेत्र का लोग है जो को मने गालो लोकसभा। साथियों थारी भी कोई आगे सवाल हुआ बलवान जी के प्रति तो कमेंट बॉक्स में थारी राय है सुझाव है सवाल है जरूर लिखा।
थारी भी कोई बात हो समस्या में मारे साथ साझी करनी है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर पर मान संपर्क कर सको। मैं थारी बात है जी लोगों का रखेंगे। चैनल पर नया हो पहली बार आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन का बटन दबा गया, आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।